अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी अलहमदिल्ला, हम भी ठीक है। तलाक को हमें अपनी जुबान में रखे, आमीन सुनमा अमीन। और इसी के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। पर जो हमारे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो पे आने के लिए और हमें अपना इतना कीमती टाइम देने के लिए और फिर हमें कमेंट करने के लिए बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। तो मैं हंस रही थी, मेरे सामने खड़ा होके ना तो लेके ना टिशू अपना मुंह साफ किए जा रहा था। मैं उसको देख के हंस रही हूँ, बच्चों की छोटी जो हैं ये शरारतें। तो वीडियो मैंने बनानी थी वो जो सबा अहमद लोग हैं, तो उसकी बीवी किस तरह दो सहेलियां दिखा रही है कि किसके साथ शादी करनी है, और वो कह रहा है अभी एक सहेली के साथ घर जाएंगे, फिर देखेंगे वो पसंद आती है नहीं तो उसको रिजेक्ट करके तो अगर आगे दूसरी के घर जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह तौबा नौज़बिल्लाह। ये अगली वीडियो आप प्लीज़ देखिएगा। अभी मैं वीडियो देख जिस पर बना रही हूँ, जिन पर वो हैं जो है विक्की चीमा, तो इस पर मैंने वीडियो भी इन पर बनाई है पहले भी। तो किसी ने कहा कि आप सही बात करें तो सही वाली वीडियो बनाए, तो जी आप मुझे प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि हम लोग किसी को पर्सनल नहीं जानते, हम लोग जस्ट वीडियो पे बात करते हैं। जो मैंने उनकी वीडियो में देखा मैं उस पर बात करूँगी। इसके अलावा वो सियालकोट के रहने वाले, मैं लाहौर की रहने वाली हूँ, मैं पर्सनल किसी को नहीं जानती, लेकिन अपनी वालदा और वालद साहब को प्यार देने का, उनकी रिस्पेक्ट करने के लिए मैंने उनकी वीडियो को पसंद किया है, और जो इज़्ज़त अफजाई उन्हें मिली है मैं कहती हूँ अल्लाह और अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अपने वालदैन की दुआओं का सदका है। क्यों ऐसी बात है परी की मामा? बिल्कुल ऐसी बात है। और वो अपनी मतलब वो क्या, उनके जितने फ्रेंड हैं दोस्त हैं सब, किसी की बीवी सामने नहीं आती। मैं अप्रिशिएट करूँगी इस चीज़ की, कोई बात नहीं बीवियाँ आ भी जाएँ, लेकिन हदायत के दायरे में चादरें करें, दुपट्टे करें, अपनी ब्लॉगिंग करें। मैं कौन होती हूँ किसी को रोकने वाली, लेकिन ये जो झूठे कंटेंट, अपनी बीवियों को नंगा दिखाना, अपनी बीवियों को मतलब अगर शादी हुई है तो एंड तक मतलब पहले दिन से लेके डेट फिक्स करने से लेके शादी के जो है उनका दुल्हन की सेज तक दिखाना, या आगे जो दूल्हा दुल्हन की मुँह दिखाई है या उनको पर्सनल चीज़ें वो दिखाना, या आगे बच्ची प्रेग्नेंट हो गई है वो पहले दिन से लेके आगे डिलीवरी पेन स्टार्ट होना और आगे डिलीवरी होने तक दिखाना, फिर बच्चा, फिर बच्चे का फेस रिवील करना, फिर ये चीज़ें, इन चीज़ों को हम कहते हैं कि इस तरह की बेहियाँ बेगैरतियाँ ना दिखाएं। बाकी फैमिली ब्लॉगिंग है, लोग कर रहे हैं, हमें इस चीज़ से क्या है, हम कौन होते हैं जी किसको रोकने वाले। हमारा खुद एक फैमिली ब्लॉगिंग का चैनल है, लेकिन कोशिश करते हैं कि हम वहाँ कोई भी ऐसी चीज़ पर्सनल ना दिखाएं जिस पे लोग डिस्कस करें और बाद में हमें तकलीफ़ हो और हमें शर्म आए और हम कहें कि जी आपने हमारी ये चीज़ क्यों दिखाई है। तो जब हम दिखाएंगे तो उस पे एक बात होगी। बाकी वो लड़के हैं, वो आदमी हैं, माशाल्लाह से तीन उनके बच्चे हैं, और वो जो उनकी मेड है उनके साथ इतना प्यार करते हैं। तो मैं उनकी वीडियो देख रही थी, मिलाद पाक की भी वीडियो, फिर पिछली वीडियो अपनी वालदा के साथ इतना अटैचमेंट, उनको साथ ले कर जाना, फिर वो जिस तरह उन्होंने बताया कि हमारा अमेरिका का वीज़ा लग गया है, तो वो जो इनकी मेड इतना खुश हो रही है और वो कह रही है मुझे भी साथ लेके जाएं, तो ये होती है मोहब्बत। तो उसके बाद फिर वो उन्होंने अपने वालदैन का दिखाया कि जी नाश्ता है उनका लेट है, तो उनकी अम्मा जान फिर जिस तरह आपको पता है कि सीधे साधे लोग, उन्होंने कहा जी हाँ सानू भूख लगी है, सानू तो नाश्ता कराओ उन्होंने, फिर असं बैठ जावे। तो ये सादगी है, मुझे तो उनकी वीडियो में जो लगा मैं उस चीज़ पर बात कर रही हूँ। अगर आप उनके मतलब के इलाके से हैं, आपको उनके कोई फेक स्टोरी का पता है तो वो आप बता सकते हैं, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती। जस्ट हम लोग वीडियो देख के वीडियो बनाते हैं, हम किसी के घरों में नहीं जाते, हमें नहीं पता किसी के घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो जो उनकी वीडियो में मुझे नज़र लगा, अपने वालदैन के लिए प्यार, अपने वालदैन को हर जगह पर लेके जाना, तो उनके कमेंट भी मैंने पढ़े हैं, तकरीबन किसी बंदे ने उनको ऐसा कमेंट नहीं किया जिसमें कोई फेक बात हो। हर बंदे ने मतलब विक्की चीमा को तो इतना ज़्यादा नहीं, उनकी वालदा साहिबा को, उनके बाप की भी इतनी बात नहीं है, वो भी सादा सा बंदा है, वो भी उन्होंने भी कोई इतनी गुफ्तगू नहीं की। उनकी वालदा साहिबा की बातें हैं जो लोगों को अच्छी लगती हैं, उन्होंने अपने चैनल का भी यही नाम रखा है कि विक्की चीमा और उनकी अम्मा जी।
तो ऐसी बात है, जब वो रात को आए और अपनी अम्मा जान को कहा कि आप चले हम लोग बैठ जा रहे हैं, तो अम्मा जान उनकी जो ब्लैंकेट में लेटी हुई थी और उन्होंने कहा कि हम लेटे हुए हैं तो हमें तो लग रही है सर्दी, आप लोग जाएं और हमारे लिए चीजियाँ लेके आए, मीठी मीठी चीजियाँ। तो वो मुझे बात याद आ गई कि जब मेरे बच्चे मुझे लेके गए मरी तो इतनी सर्दी एकदम हो गई और मुझे हो गया बुखार, तो पहाड़ थे और मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। तो मैं जब मुझे पाशा नीचे लेके आया तो मैं उसको डांट रही और वो मेरा सर चूम रहा था, प्यार कर रहा था। तो मैंने कहा आप मुझे ला के ना इधर मुझे परेशान करते हो, तो वो कहते ये हो नहीं सकता कि मम्मा हम आपको पीछे छोड़ के आ जाएँ या छोटे भाई को, कि खुदा न खास्ता तबीयत आपकी ख़राब हो जाए या कोई मसला बन जाए तो कौन देखेगा। इसलिए हम कभी भी ये सोचिएगा भी नहीं कि हम निकले और आपको लेके ना जाएं। और मेरा बार बार सर चूम रहा था और मैं उसको डांट रही थी, तो मुझे मतलब उनकी वालदा की बातें सुन के अपनी बातें याद होगी। तो ये मोहब्बत है वालदैन के साथ अपने बच्चों की, तो इनको अप्रिशिएट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। क्यों परी की मामा, लोग कहते हैं कि रिएक्शन वाले जो है नेगेटिविटी से फैलाते हैं और ये लड़ाइयाँ डलवाते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। रिएक्शन वाले कुछ भी ऐसा नहीं करते, रिएक्शन वालों को जो दिखाया जाता, आप भी थोड़ी सी बात करें, आप भी तो अपनी मम्मा से के पास रहती हैं, आपको अपनी मम्मा कैसी लगती है। तो हर बंदा अपने वालदैन के साथ क्या आपको उनके प्यार में देख के क्या लगा, तो चीज़ ही ऐसे होते हैं कि जो बहुत अच्छे लगते हैं। बिल्कुल, तो उनके प्यार में आपको जो गालियाँ होती वो भी आपको अच्छी लगती है। हाँ जी, कहते थे माँ पियो दिया गाला तो की हो दिया नाला, बिल्कुल पंजाबी की एक मिसाल है। हाँ जी, ऐसी बात है। तो आप थोड़ी सी बात करें कि आपको कैसा लगा है उनका अपने माँ अपने माँ बाप के साथ। बहुत अच्छा लगा, जो कहते हैं ना औलाद अपने माँ बाप का सोचती है ना तो अल्लाह ताला उसको बहुत देता है। बिल्कुल, तो ऐसी ही बात है, जब देख ले उसने अपनी माँ को लेके आगे आया तो अल्लाह ताला ने उसको बहुत दिया। बिल्कुल, वो अलग बात है कि अभी कोई वो कर रहा है जो भी है, हम वो भी लोगों की बातें हम पर्सनल नहीं जानते। बिल्कुल, और वो अगर अपनी माँ बहन और बीवी को इकट्ठा लेके चल रहा है, अगर जो चीज़ बहन के लेके बीवी के लिए लेके आता साथ बहन के लिए भी लेके, हालांकि बहन शादीशुदा है जी और माँ को भी साथ रखता है। तो जो लोग रिश्तों का एहतराम करते हैं ना अल्लाह पाक बहुत इज्जत देता है। और ये देख ले ये अपनी मदर को साथ रखते हैं तो अल्लाह ताला ने इनको भी कितना नवाजा है। बिल्कुल, तो अब वो उनका अमेरिका का वीजा लगा और उनको पता है क्या कमेंट आया हुआ था कि लाहौर के कोई है उन्होंने फ्री वीजा लगवाया। बोलो हम भाई बहन भाई भी अपनी माँ को साथ ही रखते हैं। बिल्कुल जी, हर बंदे का अपना मुकद्दर, अल्लाह माफ़ करें हम जेलस फील कभी भी नहीं करते, ना हमने कभी जेलस होना, क्योंकि मुकद्दर से ज़्यादा और वक्त से पहले ना कभी मिला है ना मिलना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र जितना उसने हमें अता फरमाया, जिनके पास है उनको और दे और जिनके पास नहीं उन्हें भी अता फरमाए, रब के ख़जाने बहुत बड़े हैं। और आज जब वो वीडियो में बता रहे थे कि हमें 14 से 15 घंटे मिले हैं या दुबई या यूके, तो उनकी वालदा ने कहा कि हाँ भाई भावे यूके दे ले लेते भावे दुबई दे, मेरे धियाँ पुत्र इंतज़ार कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि कौन कौन उनको मिलने आता है, जो जो प्यार करते हैं। तो 14-15 घंटे मुझे लगता है बहुत ज़्यादा टाइम है तो लोग आके उनके साथ मीटअप कर सकते हैं, मिल सकते हैं। तो मुझे इनकी वीडियो में ये चीज़ें अच्छी लगी हैं। अब हमारे अल्लाह ताला उनको और वालदैन की खिदमत करने की तौफीक दे। और देख ले उनके व्यूज़ कितने हैं, एक सिर्फ अपने घर को वो दिखा रहे हैं, बीवियाँ भी नहीं हैं, बच्चे हैं माशाल्लाह से, दो बेटियाँ और एक बेटा है, और उनके तकरीबन दोस्त हैं, किसी की भी बीवी नहीं है। तो अब ये नहीं है कि आप लोग कहें कि इस चीज़ के लिए, मैं कह रही हूँ जी जो अपनी बीवियों को लाना चाहते हैं लेके आए हमें क्या लगे, लेकिन ये है कि जो इस्लामी तरीका है उसके साथ आप अपनी वीडियो बनाएं। मैं कौन होती हूँ रोकने वाली, बेशर्मियाँ बेगारतियाँ ना दिखाएँ, अच्छे अच्छे काम दिखाएँ, हम लोग अप्रिशिएट करते हैं। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दो हमें याद रखिएगा, हाफिज़ हाफिज़ बाय बाय।